गुड आफ्टरनून, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रेन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर, परफेक्ट चिल्ड्रेन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, इसके पहले हमने देखा था कि सेल क्यों डिवाइड करती है, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड डिवाइडेशन ऑफ सेल। हमने सेल साइकिल की बात की दूसरे लेक्चर में, चेक पॉइंट्स की बात की, और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने माइटोटिस की बात किया था, जिसमें हमने देखा था कि वह सोमैटिक सेल में हमारी होती है, या उसको हम लोगों ने इक्वेशनल डिवीजन भी नाम दिया था। आज का लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कैसे ही एक ही माँ बाप की संतान जो है वो एक दूसरे से डिफर करती है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो वेरिएशंस लाती हैं। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी डिवीज़न है जो रिडक्शन डिवीज़न की तरफ ले जाती है। उसमें हमने देखा था कि इक्वल डिवीज़न ऑफ क्रोमोसोम हुआ था, और वो डिवीज़न ऐसा था कि जीन के स्पेशलिटी को, स्टेबिलिटी को बनाए हुए था और सेल की ग्रोथ में हो रहे थे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक सिंगल जो हमारा हैप्लॉयड जो गैमेट रहा है उसे डिवाइड करके हम लोग बने हैं, यानी सोमैटिक डिवीज़न के माध्यम से ही बने हैं। हर जीवधारी जो है डिप्लॉयड होता है, लेकिन सोचिए अगर हम डिप्लॉयड हैं और हमारे कुछ सेल्स भी डिप्लॉयड ही रहें तो फिर आगे चल करके क्या प्रॉब्लम आएगी। गुणसूत्रों की संख्या तो बदलती चली जाएगी, और हम जानते हैं कि गुणसूत्र संख्या जात की विशेषता होते हैं, क्योंकि जो भी जातियाँ होती हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, उसी के आधार पर उनकी एक विशेषता होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो इसमें हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 होती है। अगर सोचिए इन गुणसूत्रों की संख्या घट जाए या बढ़ जाए तो क्या होगा, इसीलिए इसमें एक विशेष प्रकार का डिवीज़न होता है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वो कौन सा डिवीज़न है? सपोज हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिप्लॉयड है, हमारी सोमैटिक सेल डिप्लॉयड है, सिर्फ कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं जो डिप्लॉयड नहीं होती हैं, वो हैप्लॉयड होती हैं। आइए देखते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। हम जानते हैं कि वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है जीवधारियों के स्टेबिलिटी के लिए। अगर एक ही प्रकार के जीवधारी कंटिन्यू बने रहेंगे, एटमॉस्फेरिक चेंजेज आएंगे, तो वो जीवधारी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनके अंदर प्रकृति ने वेरिएशंस लाने की कोशिश की। तो वेरिएशंस क्या होते हैं? एक तो म्यूटेशन से आते हैं, और आप जानते हैं कि वो काफ़ी जो विविधताएं होती हैं वो स्लो होती हैं, इसलिए प्रकृति ने एक नई विषय नई खोज नई चीज़ें डाली जिसके वजह से वेरिएशंस आते हैं। सपोज कर लीजिए कि हम लोग डिप्लॉयड सेल हैं, सपोज कर लीजिए हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 23 पेयर जो है क्रोमोसोम है। अब आप सोच लो कि 23 पेयर ये क्रोमोसोम है, और 23 पेयर मदर से और 23 पेयर फादर से अगर मिल जाए तो 23 दुनी 46 हो जाएंगे, तो ये 46 पेयर हो गए, 23 दुनी 46 हो गए, और अगर फिर इसका कॉम्बिनेशन हो तो फिर क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, यानी 92 हो गया। इस तरह से तो क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और जीव जो आज दिख रहा है जब क्रोमोसोम की संख्या उसकी बैरी हो जाएगी तो वो दूसरे तरह का दिखने लगेगा। तो इसीलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि ये क्रोमोसोम कंटिन्यू नहीं बढ़ने चाहिए। उसमें होता है, सपोज कर लीजिए कि हमारी तमाम सेल इसमें पड़ी हुई हैं, सपोज कर लीजिए ये तमाम सेल हैं, तो अगर सब में एक ही चीज़, ये जैसे हम लोग डिप्लॉयड हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर हैं, 23 हमारे मदर से और 23 हमारे फादर से आए हुए हैं, 46 क्रोमोसोम हमारे बॉडी में है, हर सेल में है, एक इंडिविजुअल जो है जो बना हुआ है हर सेल में उसके 46 क्रोमोसोम हैं, यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम हैं। अगर यही कंटिन्यू चलता रहे तो उसके जो प्रोजनी होंगे उसमें क्रोमोसोम की संख्या तो इस तरह से रैपिडली बढ़ती चली जाएगी, और वो जो स्टेबिलिटी है क्रोमोसोम की वजह से जो एक आइडेंटिफिकेशन है ह्यूमन बींग्स की, वो नहीं बरकरार रह पाएगी। इसीलिए जो है प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की कि हमारे सेल के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल सेल होती हैं, स्पेशल सेल, इसी स्पेशल सेल के अंदर यह विभाजन होता है जिसे हम रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। तो इसके माध्यम से होता क्या है,
जब ये जैसे अभी इसको हम लोग देखेंगे कि किसमें होता है, तो इससे क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या मेंटेन रहती है, बढ़ती नहीं है, 46 से ज़्यादा नहीं होती है, और मनुष्य का जो कैरेक्टर है वो कॉन्टीन्यूटी को मेंटेन रखता है, यानी बरकरार रहता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी सेल है जिसके माध्यम से हम हमारे अंदर जो है ये स्टेबिलिटी को ऑप्टेन किए रहता है। जीन सेल में जो स्पेशलाइज सेल होती हैं जिनमें यह विभाजन पाया जाता है, इसको हम कहते हैं मियोसाइट्स। मियोसाइट्स, अब ये मियोसाइट्स जो है दो तरह के होंगे, अगर वह मेल है तो स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स। आप जानते हैं कि इसके माध्यम से स्पर्म का निर्माण होता है इन मेल स्पर्म, और ओवोसाइट्स, ओवोसाइट्स ये फीमेल में होता है। आप जानते हो कि इसके माध्यम से फीमेल के अंदर जो है एग का निर्माण होता है। तो फिर एग और स्पर्म के मिलने से ये हमारा जाइगोट बनता है। तो जाइगोट जो है, इसी जाइगोट से एवरी इंडिविजुअल ग्रो करता है और वो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। तो ये जो है 23 जोड़ी मदर से और 23 जोड़ी फादर से आते हैं, इसलिए इसमें 46 जोड़ी मेंटेन रहती है। तो अब ये विशेष प्रकार का जो डिवीज़न है इसको आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे हमारे गुणसूत्रों की संख्या को मेंटेन रखता है। ये देखें, आज जिस विभाजन को हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है मियोसिस, या इसी को हम लोग कहेंगे रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक है, हिंदी में कहेंगे अर्ध सूत्री विभाजन। तो इसके पहले हम लोगों ने मोइटोटिस में देखा था कि सूत्री विभाजन था, उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप स्प्रिंग में चले गए थे, लेकिन यहाँ क्या है, हाफ हो जाएगा। जैसे अब ये माइटोटिस जो मियोसिस शब्द है इसको किसने दिया था, हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में विभिन्न वैज्ञानिकों को समेटने की कोशिश की है, उसमें हमने बताया था कि फार्मर एंड मूरे नाम के साइंटिस्ट ने इनकी खोज की है, याद रखिएगा फार्मर एंड मूरे नाम के वैज्ञानिकों ने ये स्पेशल जो हमारे सोमैटिक सेल को छोड़ करके जेनेटिक सेल में पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल में पाए जाते हैं, जैसे अभी हमने देखा मेल के केस में स्पर्म बनते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, और फीमेल के केस में ओवम बनते हैं, इन्हीं विशेष सेल में यह पाए जाते हैं, जिसके वजह से गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो आधी फादर से आधी मदर से मिल करके पुनः जो है गुणसूत्रों की संख्या मेंटेन रहती है। तो इसमें क्या होता है, जनरल सा स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या देखा था कि एक सेल हमारी क्या हुई थी, सोमैटिक का जो सूत्री विभाजन था यानी माइटोटिस था, उसमें हमने देखा था कि दो सेल बने थे, जैसे यह 2N और 2C रहा, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये दो सेल बन गए थे। तो ये हमारा रहा माइटोटिक का, लेकिन इसमें क्या होगा, इससे प्रत्येक से दो दो सेल बन जाएंगे, यानी एक से हम देखेंगे एक सेल से हमारी चार सेल का निर्माण होगा, और ये चार सेल जो बनेंगी इसमें जो कॉन्टेंट होगा N नंबर ऑफ गुणसूत्रों की संख्या इसमें N हो जाएगी। तो कुल मिला के देखेंगे कि ये जो इसमें रहा है ये हमारा होगा मियोसिस फर्स्ट की बात करेंगे, और ये हमारी होगी मियोसिस सेकंड की बात होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2N 2C यानी ये गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहेगी, इसीलिए इसको हम सूत्री विभाजन कहते हैं। अब आइए हम लोग इस चक्र को देखते हैं, थोड़ी सी बातें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा चक्र सेल साइकिल के चक्र के बारे में मैंने बताया था माइटोटिस में, तो वही सारा चक्र यहाँ भी चलता है, थोड़ा सा अंतर है। जैसे वहाँ हमने बताया था, देखिए ये हमारी सपोज कर लीजिए ये सेल साइकिल है, ठीक है, अब ये कोशिका चक्र है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमारा, अभी इसके पहले क्या होता रहा, जीवन फेज से शुरुआत हुई है, फिर हमने देखा था कि वयस फेज में आया था, फिर हमने क्या देखा था, G2 फेज आया था, ठीक है, और इसके बाद से हम लोगों ने यम फेज की कल्पना की थी। लेकिन जब इसमें हम लोग पहुँचेंगे तो थोड़ा सा एक वेरिएशंस होगा, इसमें हम देखेंगे ये हमारा जो है मियोसिस फेज है। अब इस मियोसिस में देखिए क्या होगा, दो पार्ट में बट जाएगा, और दो पार्ट में बट करके
इस कामयाब से संपन्न होना है। आइए देखते हैं। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था, अभी हमारा मियासिस फर्स्ट होगा, मियासिस फर्स्ट का टर्म होगा और ये मियासिस सेकंड होगा, और ये जो बीच में थोड़ी सी गैप होगी फर्स्ट मियासिस के बाद, इसको हम इंटरकाइनेसिस कहेंगे। इंटरकाइनेसिस याद रखिएगा, इंटरकाइनेसिस। अब होगा क्या, जैसे फर्स्ट फेज में हम लोगों ने देखा था माइटोटिस के केस में, सारी चीज़ें वैसे ही घटित होंगी। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा जीवन फेज होगा, इसमें जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उनका सबका रिप्लिकेशन होगा, मतलब डबलिंग होगी। और जैसे ही हम लोग जानते हैं कि यस फेज में हम आते हैं, हमने वहाँ बताया था पिछले लेक्चर में कि CPM से बताया था कि सेंट्रोसोम यानी जाकर के यहाँ सिंथेसिस होगी, और प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ जाकर के यानी G2 फेज में, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का G2 फेज में सिंथेसिस होती है यानी डबलिंग इसकी होती है। और ये हमने जीवन फेज के बाद आपको बताया था कि यहाँ DNA का रिप्लिकेशन होता है, ठीक है, सेंट्रियोल का निर्माण होता है, तो वो सारी कहानी यहाँ भी दोहराई जाएगी। लेकिन इसके बाद से G2 फेज के बाद जब यह सेल हमारी जो है ये मियासिस फर्स्ट में पहुँचेगी, तो इसमें आप देखें वहाँ हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, पी मत से याद कराया था, पी मत। वहाँ हमने टेक्निक बताई थी कि न्यूक्लियस नाना अपने बच्चों से कह रहे हैं कि पी मत, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब पी मत का मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज हमने वहाँ समझाया था। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम मियोसिस फर्स्ट में जाएंगे तो यहाँ भी प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज होगा, यह दो पार्ट में होगा। यानी ये पहला जो हमारा पार्ट होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज यहाँ आएगी, उसके बाद से जो है ये साइटोकाइनेसिस भी होगा। ये तो कैरियोकाइनेसिस आप देख रहे हो, यहाँ होगा फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस के बाद यह सेल जो है पुनः जो है दो पार्ट में यहाँ डिवाइड होगी, ठीक है। अब देखें जब ये, तो इसके बाद जब यहाँ डिवाइड हो जाएगी, मतलब यहाँ से हमारा जो सेल साइकिल चलेगा, यहाँ से सपोज कर लीजिए एक सेल हमारी है, तो यहाँ आते आते क्या होगा, यहाँ आते आते यह दो सेल में बट जाएगी, सपोज कर लीजिए यहाँ पे दो सेल में इसको विभक्त हो जाना है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपने देखा था कि माइटाटिस में वहीं पे विभाजन होकर के दो सेल में बट गया था, लेकिन यहाँ पे एक काम और होगा, थोड़ी देर शॉर्ट इंटरवल जो है रेस्ट के बाद, इसको हम ये यहाँ दिखाया हमने इंटरकाइनेसिस कहते हैं, इस इंटरकाइनेसिस के बाद जो है वो सेल सीधे मियोसिस सेकंड में जाएगी, और उस मियोसिस सेकंड में इस दो सेल से पुनः जो है प्रत्येक से दो दो मिल करके, यानी दो इससे और दो इससे, यानी चार सेल में कुल मिला करके एक सेल जो हमारी चार सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रखें तो देखें कैसे करेंगे, वही हम लोग जान रहे हैं कि इंटरफेज होगा, यहाँ भी सबसे बड़ी होगी, लेकिन इसमें और माइटाटिस में अंतर यह है कि यहाँ पे प्रोफेज काफ़ी लंबा होगा। तो आइए अगर इसको हम चार्ट के माध्यम से देखना चाहें तो मियासी देखें, MEIO मियोसिस, देखिए मियासिस में वही कहानी जो हमने नॉन डिवाइडिंग फेज की बात माइटाटिस में की थी। तो जैसे नॉन डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग फेज की बात हमने किया था, ठीक है, और नॉन डिवाइडिंग में हमने बताया था, या इसी को इंटरफेस का नाम दिया गया था इंटरफेस। तो इसमें हम लोगों ने देखा क्या कि तीन चीज़ें निकल के रखी आई हमारी, जीवन हमारा रहा, इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, जीवन, यस और G2 फेज। तो इसमें हमारी सेल की पूरी तैयारी होती है कि सेल को हमको हमारे कैसे डिवाइड करना है। अब हम लोग डिवाइडिंग फेज की तरफ चलेंगे, डिवाइडिंग फेज, इसी में हमने आपको बताया था कि एक माइटाटिक होता है, तो माइटाटिक डिवीज़न के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और दूसरा हमारा होता है मियोसिस, आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो माइटाटिक में भी हमने आपको बताया था कि दो चीज़ें निकल के आती हैं हमारी, कैरियोकाइनेसिस नेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस, ये दो बातें वहाँ हमने की थी। तो ठीक इसी तरह से, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज,
मेटाफेज एनाफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज की मत से हमने वहाँ आपको याद कराया था। इसमें किस तरह से प्रोफेज में क्या होता है कि हमने देखा था कि प्रोफेज जो है लंबी अवस्था होती है और सबसे बड़ी अवस्था होती है इसमें कैरियोकाइनेसिस में, और एनाफेज इसमें सबसे छोटी अवस्था होती है। फिर साइटोकाइनेसिस के बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से हमारी सेल डिवाइड होती चली जाती है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। माइटोटिक का डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं मियोसिस की बात करते हैं, ठीक है। आज हमारा जो है डिवीज़न फेज है वो मियोसिस की बात हो रही है। तो देखें अब मियोसिस में माइटोटिस में थोड़ा सा अंतर क्या हुआ। वहाँ भी हम लोगों ने देखा था कि माइटोटिस में जिस तरह से कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हुआ था, यहाँ भी वही बात है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे प्रोफेज हमारा थोड़ा लंबा है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने माइटोटिस में किया था। और दूसरी बात हम लोग करेंगे साइटोकाइनेसिस। अब देखिए होगा क्या इस कैरियोकाइनेसिस में, जैसे हम लोगों ने वहाँ प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज की बात किया था, ठीक वही बात यहाँ भी है, लेकिन थोड़े से अंतर के साथ। यहाँ प्रोफेज काफ़ी लंबी हो जाती है, प्रोफेज की हम लोग बात करेंगे। प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस हमारे प्रोफेज में होगी, मेटाफेज ध्यान दीजिएगा प्रोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस हमारी जैसे वहाँ प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज में टूट रही थी, ठीक वैसे ही यहाँ भी होगी। ये हमारी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज ये सारे फेजेस आएंगे, लेकिन एक काम और यहाँ होगा। अब ये प्रोफेज जो है जा करके बट जाएगा, ये वेरी इम्पॉर्टेंट। तो देखिए प्रोफेज को प्रोफेज हम इसको देखिए फर्स्ट के नाम से, यानी लिप्टोटीन याद रखिएगा, लिप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटीन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये हम देख रहे हैं कि कैरियोकाइनेसिस हमारा जो है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज में उसी तरह से टूट रहा है जिस तरह से हम लोगों ने माइटोटिस में देखा था, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि प्रोफेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, काफ़ी जटिल हो जाती है। यह 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं 5 फेजेज में टूट जा रही है, जिसको हम लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटीन डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। अब विद्यार्थियों को बहुत बार यह याद करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि इसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेप्टोटीन के बाद कौन सा स्टेज आता है, या डिप्लोटीन के बाद कौन सी स्टेज आती है, या डिप्लोटीन और जाइगोटीन के बीच में कौन सी पाई जाती है। तो आदमी भ्रम में पड़ जाता है, छात्र विद्यार्थी समझ नहीं पाता है, इसको याद नहीं कर पाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए इसको करना क्या है, ले जा पैकेट डीप डाई का, ले जा पैकेट डीप डाई का, ठीक है, ले जा पैकेट डीप डाई का, यानी गहरी डाई का, डाई जो बाल में की जाती है उसको कह रहा है कि गहरी डाई का पैकेट ले जाओ, ले जा पैकेट डीप डाई का। इससे बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा, ले जा से यानी ले से लिप्टोटीन, जा से जाइगोटीन, और पैकेट से पैचिटीन, और डीप से डिप्लोटीन, और डीप डाई का मतलब डाइकाइनेसिस। तो हमारे समझ से ये शॉर्टकट टेक्निक हमने बताई है, तो ले जा पैकेट डीप डाई का, इससे बड़ी आसानी से आप याद कर पाएंगे कि लिप्टोटीन क्या है, जाइगोटीन क्या है, पैचिटीन क्या है, और डाइकाइनेसिस क्या है। तो ये बात आप समझ गए। अब देखें कैरियोकाइनेसिस के बाद होता क्या था, उसमें सीधे हम साइटोकाइनेसिस पे पहुंच जाते थे, और साइटोकाइनेसिस के माध्यम से जो है वह सेल दो भागों में बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सीधे जो है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज के बाद यह सेल दो भाग में बढ़ जाएगी, लेकिन पुनः जो है थोड़े से रेस्ट के बाद एक और स्टेज इसमें आती है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, जिसको हम इंटरकाइनेस स्टेज कहते हैं, हम लोग उसमें इंटरफेस कहा था, तो उसी तरह से इसका नाम है। इसके बाद से साइटोकाइनेसिस होती है, और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से फिर जो है हमारी सेल डिवीज़न की तरफ चली जाती है। तो इस तरह से डिप्लोटीन लिप्टोटीन
जाइगोटिन, पैचिटिन और डाइकाइनेसिस, ये जनरल सा एक स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है। अब हम लोग एक एक को प्रत्येक को देखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि इस पूरे मियासिस के अंदर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या हैं वो होने हैं, उसको भी थोड़ा देखते हैं। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये जो मियासिस की प्रक्रिया हो रही है ये तीन तरह से एक तरह से होती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया है। जैसे जाइगोटिक मियासिस, स्पोरिक मियासिस, जाइगोटिक मियासिस, स्पोरिक मियासिस। तो देखें ये स्पोर जो फॉर्मेशन होते हैं या जाइगोट जो बनते हैं वो मियासिस क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए जाइगोटिक मियासिस जैसे जो एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया ये हैं, इसमें इनका जाइगोट जो है सीधे डिवाइडेशन की तरफ चला जाता है, इसको हम जाइगोटिक मियासिस कहते हैं। और स्पोर का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में, आप जानते ही हो, जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, एल्गी हैं, जिम्नोस्पर्म हैं, तो इसमें जो है ये मियासिस पाया जाता है। तो ये जाइगोटिक मियासिस और स्पोरिक मियासिस की बात हमने की। अब हम लोग चलते हैं, इस चार्ट को हम लोगों ने देख लिया, अब हम देखते हैं कि ये मियासिस होती कैसी है, यानी किन चरणों से होकर के ये मियासिस की प्रक्रिया गुजरती है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिप्लॉयड हैं, यानी सपोज कर लीजिए कि एक सेट हमारा क्रोमोसोम जो है ये फादर से मिलता है, सब हम लोग जानते हैं, एक सेट एक जोड़ी, और एक जोड़ी ये हमारी मदर से मिलता है, एक जोड़ी हमारी ये मान सपोज कर लीजिए मदर का है, ये फादर का है। तो इस तरह से हम लोग डिप्लॉयड हैं। अब यही क्रोमोसोम किस तरह से हमको डिवाइडेशन करके हमारे क्रोमोसोम के नंबर को ये बरकरार रखेंगी, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी मियासिस है वो किन चरणों से होकर के गुजरती है। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारी मियासिस जो है दो पार्ट में जाके कंप्लीट हुई है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर प्रोफेज सबसे लंबी है, और प्रोफेज में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस की बात आई। फिर हम लोगों ने देखा कि मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसको हम मेटाफेज फर्स्ट, मेटा एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट के नाम से देंगे। फिर हमारा ये कैरियोकाइनेसिस का जैसे ही कंप्लीट होगा, इंटर जो काइनेस फेज होगा वो शॉर्ट पीरियड का होगा, फिर हमारी सेल डिवाइडेशन की तरफ आगे बढ़ेगी, फिर वो मियासिस सेकंड होगा। उस मियासिस सेकंड में हम लोग वहाँ भी देखेंगे प्रोफेज यानी सेकंड, मेटाफेज सेकंड, प्रोफेज मेटाफेज, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, ठीक है। तो ये सब सेकंड वाले देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मियासिस फर्स्ट कैसे होती है और किस तरह से हमारी सेल जो है दो पार्ट में बढ़ जाती है। कमिंग लेक्चर में हम बात करेंगे कि मियासिस सेकंड कैसे संपन्न होती है और कैसे एट द लास्ट एक सेल से हमारी चार सेल बन जाती हैं, और वो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें होते हैं, और इन्हीं गैमिट से जब हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो गैमिट जब फॉर्मेशन होता है तो हैप्लॉयड हुए, और मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, जाइगोट बनता है। वही कहानी हम लोग देख रहे हैं, जैसे मेल गैमिट से मान लीजिए हमारा यन है यहाँ से मिला मदर से, और यन फादर से मिला, और ये जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, मतलब वो मान लीजिए स्पर्म है, ये ओवम है, और ये हमारा जाइगोट जब बनता है तो ये हमारा 2n हो जाता है, और यही 2n का विकास होता है सोमैटिक डिवीजन के थ्रू, जिससे हम लोग यानी कोई भी इंडिविजुअल बनता है। तो आइए हम लोग लेकर के चलते हैं ये कैसे होता है, और हम लोग देखेंगे कि इस पूरे सूत्री विभाजन के अंदर क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे क्रोमोसोम जो है किस तरह से क्रोमेटिन थ्रेड क्रोमोसोम में बदलेंगे, फिर उसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्याजमाटा का फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल के फाइबर के थ्रू कैसे खींच करके एक पोल से दूसरे पोल की तरफ ये चले जाएंगे और दो सेल का निर्माण हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसी की बात करते हैं, हम शुरू करते हैं प्रोफेज से। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मियासिस की प्रक्रिया को लेकर के, देखें मियासिस कैसे संपन्न होती है। मियासिस सबसे पहली बात हम लोग करेंगे प्रोफेज। तो प्रोफेज में आप जानते ही हो कि जिस तरह से ये हमारा चक्र है, तो हमारी सेल पहले प्रोफेज में क्या करती थी, भाई जीवन है, तो हम लोग जान रहे हैं कि इस जीवन के बाद यस स्टेज आती है,
फिर हमारा G2 आता है। ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। G1 में हम जान रहे हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनिल हैं उनका रिप्लिकेशन होता है, उनकी डबलिंग होती है, ठीक है। और सेंट्रियोल जाकर के यस फेज में सिंथेसाइज होता है। वहाँ हमने बताया था कि यानी यहाँ पे DNA का रिप्लिकेशन होता है यस स्टेज में, सिंथेसिस ऑफ DNA का रिप्लिकेशन होगा। और यहाँ हमने सेंट्रियोल CPM से बताया था कि यहाँ सेंट्रियोल का भी रिप्लिकेशन होगा, जो ह्यूमन के केस में यानी जंतुओं के केस में जो सेंट्रियोल पाई जाती है उसका रिप्लिकेशन होगा। और माइटोकांड्रिया और प्लास्टिक का रिप्लिकेशन G2 फेज में होता है। ये सारी कहानी माइटोटिस जैसी ही है, ये सब होता रहेगा। इसके बाद से हम लोग देखेंगे क्या कि जैसे ही हम प्रोफेज में आते हैं तो होगा क्या। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग प्रोफेज की कहानी। अब देखिए प्रोफेज के अंदर होना क्या है, इसके पहले हम लोग माइटोटिस में प्रोफेज में पढ़ चुके हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, क्रोमेटिन थ्रेड जो है कंडेंसेशन होने लगते हैं, फिर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस गायब हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है गायब होती है, और धीरे धीरे सेंट्रियोल का बनना होता है, सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तो ये सारी कहानी हम लोग माइटोटिस के केस में पढ़ चुके हैं, तो वो सारी घटनाएँ यहाँ भी घटित होंगी, लेकिन ये लंबा फेज है जिसे हम लोग प्रोफेज कहते हैं। अब इस प्रोफेज में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोफेज के अंदर जब आएंगे तो हम लेंगे सबसे पहले प्रोफेज में लेप्टोटीन। अब देखिए कैसे आप याद करोगे लेप्टोटीन, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लेप्टो, लेप्टो का मतलब लपेटो, लपेटो याद करो यार, लपेटो लपेटो या लिपटो, ठीक है, लपेटो या लिपटो दिमाग में रखिएगा। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है, इस चित्र को देखिए, ये हमारा है न्यूक्लियस, और आप जान रहे हैं कि न्यूक्लियस ये हमारी सेल, ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इसमें क्या है, जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो आपस में काफ़ी लिपटे हुए हैं, उलझे हुए हैं, कंडेंसेशन हो रहा है। तो इस स्टेज में होता क्या है, जब एनिमल के केस में हम जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जो क्रोमोसोम होते हैं ये आपस में काफ़ी उलझे होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे उलझे होते हैं, काफ़ी उलझे होते हैं, ठीक है। जैसे जो मदर से या फादर से, यहाँ दो तरीका मैं बना दे रहा हूँ, मदर या फादर से जो भी मिले हुए हैं तो ये आपस में काफ़ी लिपटे होते हैं, यानी उलझे होते हैं, यानी लपेटे रहते हैं एक दूसरे को। और ये इस तरह से लपेटे रहते हैं कि जिस तरह से हम लोग ये क्रोमोसोम, आपको बताऊं कि ऐसे ऊपर में इस तरह से रहेंगे और नीचे जा करके एक पतली सी चीज़ बन जाती है, तो इसको हम बुकेट कहते हैं, बुके बुके बुके, यानी ऐसी स्टेज जैसे फूलों को हम एक गुलदस्ता में सजा लेते हैं और नीचे की ओर पतला सा पकड़े रहते हैं ऐसे दिखाते हैं, तो इसको बुके कहते हैं। तो एनिमल के केस में ये बुके नाम की संरचना जो है लिप्टोटीन में दिखाई देती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, लिप्टोटीन में जो गुणसूत्र होते हैं, मतलब जो क्रोमेटिन थ्रेड हैं वो आपस में काफ़ी उलझे होते हैं, इस तरह से लपेटे हुए होते हैं, इसे याद रखिएगा लिप्टोटीन। यानी इसमें क्या होगा, गुणसूत्र का कंडेंसेशन शुरू होगा, कंडेंसेशन के साथ ही साथ जो है जो सेंट्रियोल हैं, अब वो जो एक सेंट्रियोल है उसको भी अब भाई डबल बनना है, उसकी भी सिंथेसिस होनी है। सपोज कर लीजिए हमारा सेंट्रियोल है, इसको भी आगे की तरफ बढ़ना है, लेकिन अभी न तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे ही पड़ी हुई है, ये टूटी नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, लिप्टोटीन में इन क्रोमेटिन थ्रेड का आपस में उलझना होगा, लिपटे रहेंगे, सिंथेसिस होगी, और फिर क्या होगा, लिप्टोटीन के बाद यानी सेंट्रियोल इसमें बनने शुरू होंगे, विजिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम यहाँ दिखाई देने लगेगी, और ये बुके जैसी संरचना लिप्टोटीन में दिखाई देती है। तो हमारे समझ से लिप्टोटीन आप समझ गए। तो ये हम जब पहुँच रहे हैं कि यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रोफेस का जो हमारा लिप्टोटीन है, ये हमारा है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस और इंटरकाइनेस के बाद फिर हमारा मियासिस सेकंड आएगा, शॉर्ट फेज के बाद मियासिस सेकंड, इसमें भी लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस एंड लास्ट में हमारा होगा साइटोकाइनेसिस। तो ये सारी प्रक्रिया इसमें भी संपन्न होगी। ये होगा कि हमारा ये प्रोफेज का जो है, प्रोफेज का ये प्रोफेज की चीज़ें हैं, प्रोफेज के अंदर ही आएंगे लिप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर हमारा मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। तो ये हमारा रहा लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में प्रोफेज के आप इतना ही आपको याद रखना है कि जो क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं वो आपस में काफ़ी उलझे रहते हैं, एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, और धीरे धीरे ये क्रोमोसोम बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये
क्रोमोसोम बनते हैं, विजिबिलिटी इनकी दिखाई देती है, जो इनकी दिखने का क्रम है वो लगता है कि यह भूखे है। तो ये हमारा रहा लिप्टोटीन, हमारे समझ से लिप्टोटीन आप समझ गए। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेज में, लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन याद रखिए। तो जाइगोटीन को आप कैसे याद रखोगे भाई? तो जाइगोटीन में होता क्या है, जिस तरह से जाइगोट बनता है तो आप क्या देखते हो, मेल यानी स्पर्म और ओवम दो चीज़ें एक पास आती हैं और क्या होता है, वो मिलन होता है। तो मिलने के बाद जाइगोट बनता है। तो यही बात आपको याद रखना है कि इसमें अब क्या होगा, जब ये जो हमारे गुणसूत्र हैं जो माता पिता से मिले हैं, जैसे हमारा मान लीजिए ये फादर से मिला हुआ है, सपोज कर लीजिए एक हमारा क्रोमोसोम जो है ये फादर से मिला हुआ है, ठीक है, और एक जो है मदर से मिला हुआ है। तो इनकी अभी आपने देखा कि क्या होती है, ये डबलिंग हो जाती है। ये हमारा है सेंट्रोमियर है, मान लीजिए यह मदर का है, सपोज कर लीजिए यह मदर से मिला हुआ है और एक सेट हम एक जो है हमको मान लीजिए फादर से मिला है, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा, जब हम जाइगोटीन में जाते हैं तो ये क्या होता है, ये सेंट्रोमियर पे जो गुणसूत्र लगे हुए हैं, जो अगर एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं तो इसको हम एक ही क्रोमोसोम कहते हैं, ये एक ही सिंगल क्रोमोसोम है और यह भी सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, इसमें कुछ बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अब ये देख रहे हैं कि एक यहाँ है एक यहाँ है, इसीलिए यह क्या हो गया, बाईवैलेंट हो गया, ये फादर का है। इन दोनों को हम ले लें तो इसको हम कहेंगे बाईवैलेंट, बाई माने दो, बाईवैलेंट। इस जाइगोट स्टेज में, जाइगोटीन में क्या होता है, ये बाईवैलेंट हो जाते हैं। और ये जो क्रोमोसोम है ये होमोलागस क्रोमोसोम है, मतलब एक ही जैसे हैं। अब देखिए ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये इसको हम कहेंगे सिस्ट, ये क्रोमेटिड है, इसके अंदर ये डीएनए लगा हुआ है आप जानते हो, तो ये क्या है, डीएनए है। अब इसको कहेंगे क्रोमेटिड, ये जो एक सिंगल आप लोगे इसको कहेंगे क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। अब देखिए अब चूंकि ये एक क्रोमेटिड ये है और इसी के साथ एक और क्रोमेटिड हो गया, यानी इसका डबल हो गया है डीएनए। क्रोमोसोम की संख्या आप देख रहे हैं इसके बाहों में, क्रोमोसोम तो एक ही है लेकिन इसकी बाह क्रोमेटिड जो है इसके साथ जुड़ गए हैं, तो इसीलिए इसको, इस क्रोमेटिड को चूंकि एक साथ हैं इसको कहेंगे, चूंकि बहने हैं ना, इसीलिए इसको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक दो तीन चार ये भुजाएँ हो गई। तो अब क्या है, ये पहले क्रोमोसोम का ये आपस में एक और दो क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। अगर हम सिस्टर क्रोमेटिड की बात करें, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड हम क्या देख रहे हैं, एक वन एंड टू ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। वैसे थ्री एंड फोर आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। अब देखिए अगली बात याद रखिए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कैसे है, मतलब आपस में ये बहने नहीं है। तो देखिए कौन कौन है, जैसे देखिए एक ले लें हम और तीन ले लें, चाहे मान लीजिए चार ले लीजिए, देखिए ये और ये क्या है नॉन, जैसे एक ले लें हम और चार ले लें, क्या सिस्टर क्रोमेटिड है, नहीं है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। वैसे दो ले लें और हम तीन ले लें, तो क्या ये सिस्टर क्रोमेटिड है, नहीं है। अच्छा इसी तरह से एक एक चार की मतलब ये और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, ये दो और तीन ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। अब होगा क्या, विविधता लाने के लिए प्रकृति ने यही तो उपाय किया है, अगर सिस्टर क्रोमेटिड से सिस्टर क्रोमेटिड का ही कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो वो गुण तो वही रह जाएगा, वेरिएशंस कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए वेरिएशन लाने के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जैसे देखें ये दो और इसका तीन, ये आपस में इनका कॉम्बिनेशन होगा, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, हमारे समझ से आप समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब इसमें देखिए होता क्या है, इस स्टेज में हम लोग लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन स्टेज की बात कर रहे हैं। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आप समझ गए। अब क्या होगा जाइगोटीन में, यानी जिस तरह से जाइगोट बनता है, और जाइगोट में क्या है, मेल और फीमेल गैमिट यानी स्पर्म और ओवा एक साथ आते हैं, ठीक इसी तरह से यहाँ जाइगोटीन में आपको याद रखना है कि ये जो क्रोमोसोम होंगे आपस में चले आएंगे एक पास सट आक्स, मतलब एक साथ आने की कोशिश करेंगे, इसीलिए बाईवैलेंट कहते हैं। और इसको एक चीज और याद रखिएगा, टेट्राड भी कहते हैं, देखिए टेट्राड, टेट्राड टेट्राड क्यों भाई, देखिए एक दो तीन चार, चार हो गई ना, तो इसीलिए टेट्राड भी कहा जाता है इसको, यानी चार क्रोमेटिड है इसमें
और दो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कितने हैं? क्रोमोसोम हमारे हो गए 2 और क्रोमेटिड कितने हो गए भाई? क्रोमेटिड हमारे हो गए 4। तो ये याद रखिएगा। अभी अभी भी देखें यहाँ जो क्रोमोसोम की संख्या 2 है, और लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये हमारा डीएनए है ये डबल हो गया है, यानी 2N4C की कहानी है यहाँ भाई, ये याद रखिएगा। अब देखिए होगा क्या, ये होमोलागस क्रोमोसोम जो आपस में आकर के अब ये एक पास आ रहे हैं, तो इनको एक साथ ले आना है, तो ये हमारा 4C बन गया, यानी 2N4C की कहानी यहाँ हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये टेट्राड बन रहा है। अब ये जब आपस में एक पास आते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन होता है, एक एंजाइम आके यहाँ पे लगता है, जिसे हम इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सिनेप्सिस। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, सिनेप्सिस। पूछता है कि सिनेप्सिस की घटना किस में होती है, तो आपको लिखना है जाइगोटिन में। जाइगोटिन ऐसी स्टेज है जिसमें सिनेप्सिस की घटना होती है, मतलब सिनेप्सिस दूसरे तरह रूप में याद रखिए सटने की घटना, मतलब ये जो होमोलागस क्रोमोजोम है यानी सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं आपस में सट जाते हैं। सिनेप्सिस का मतलब याद रखिए सट जाना, तो सिनेप्सिस की घटना होती है। और इस सिनेप्सिस की घटना को कराने के लिए यहाँ एक जो इंजाइम ये लगते हैं, इसको हम कहते हैं याद रखिएगा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण यहाँ पे होता है, जिसके माध्यम से सिमेटो एक तरह याद करिए सीमेंट की बात कर रहा हूँ, यानी आपस में ला करके सटाने का यह एंजाइम काम करता है। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से ये होमोलागस क्रोमोसोम पास पास आने लगते हैं, और इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं एक साथ आते हैं, तो यहाँ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और ये वाई वायलेंट हो जाते हैं, टेट्राड हो जाते हैं, और इस तरह से जब ये पास आ जाते हैं तो सिनेप्सिस की घटना होती है। इसलिए पूछा जाता है कि सिनेप्सिस की घटना किस फेज में होती है, तो आप क्या बोलना है, जाइगोटिन स्टेज में सिनेप्सिस की घटना होती है। तो ये बात हमारे समझ से आप समझ गए, ये हमारा रहा जाइगोटिन, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जाइगोटिन के बाद हम लोग चलेंगे, लेप्टोटिन हो गया हमारा, जाइगोटिन हो गया, अब दूसरी स्टेज तीसरी स्टेज की तरफ हम लोग चलेंगे, पैकेटिन। अभी इसको याद करने का टेक्निक भी मैंने आपको बताया है। तो देखो पैकेटिन में अब होगा क्या, पैकेटिन में हमने आपको बताया था कि ये हमने बताया ना शॉर्टकट में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये चीज़ें बताया, ठीक है। तो इसको हमने शॉर्ट में बताया कि ले जा पैकेट डीप डाई का, इससे बड़े आसानी से आपको यह याद रहेगा। तो पैचिटीन में क्या होता है, आप क्या मोटी मोटी बातें क्या आप याद रखेंगे, देखिए पैकेट तो पैचेज बनेंगे, पहली बात पैचेज, अभी इसको हम देखते हैं, पैचेज बनेगा पहली बात इसके अंदर होगी पैकेटिन के अंदर। और क्या होगा, जैसे एक पैकेट के अंदर हम लोग तमाम चीज़ें रख देंगे तो वो तो भाई आपस में मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगा, तो ये एक बात याद रखिएगा पैकेट का निर्माण होना। और दूसरा होगा क्रॉसिंग ओवर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉसिंग ओवर की घटना जो है इसी फेज में होती है। अच्छा, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जाइगोटिन में पास पास आ गए थे, तो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी रिकॉम्बिनेशन होगा डीएनए का, यानी उस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में रिकम्बाइन करेंगे, यानी एक दूसरे से जुड़ेंगे, उसकी भुजा उससे कट करके जुड़ेगी, उसके उससे जुड़ेगी, और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट नोड्यूल बन जाएंगे, पैकेट बन जाएंगे नोड्यूल, तो ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे रिकॉम्बिनेशन में। तो पैचिटिन में होना क्या है, पैकेट जो है जिस तरह से होता है आपस में रख देंगे तो वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, यानी पैचेज बनना, इसमें पहली बात ये याद रखिएगा पैचेज का बनना, और पैचिटिन यानी इसमें क्या होगा, आपस में जब आके मिलेंगे तो क्रॉसिंग ओवर की घटना होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखिएगा। सिमेटोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ अभी भी लगा हुआ है, आइए देखते हैं, यहाँ हमने एक चित्र ड्रा किया है, देखिए ये हमारा है एक क्रोमोजोम,
जो बाईवैलेंट हो चुका है, ये लाल रंग से हमने बनाया है, दूसरा हमने काले रंग से बनाया है। अब देखिए जब ये आपस में इसकी सिमेटोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रहता है और ये आपस में भुजाएं एक दूसरे से सट जाती हैं, ऐसे क्रॉस कर जाती हैं, इसीलिए यहाँ जो है क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। अब क्या होगा, इस क्रोमोजोम की जो भुजा इस क्रोमोजोम से लगी हुई है, जो सिमेटोनिमल कॉम्प्लेक्स है के माध्यम से सटा हुआ है इस पैचिटिन में, क्या हो रहा है, यहाँ पे पैकेट बन जाते हैं, यानी रिकॉम्बिनेज नोड्यूल यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। और इसी रिकॉम्बिनेज नोड्यूल के फॉर्म हो जाने से इसकी भुजा टूट करके इसमें लग जाती है और इसकी भुजा टूट करके इसमें लग जाती है। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। पैचिटिन में हम आकर के यह बात देखते हैं। तो हमारे समझ से पैचिटिन में आने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को आप समझ गए, इसमें क्या होता है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें है क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, और इसमें रिकॉम्बिनेशन आप ये जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है, आपस में आदान प्रदान होता है जीनों का, और ये होता है विशेष रूप से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, तो नए वेरिएशंस निकल के आते हैं और रिकॉम्बिनेस नोड्यूल जो है इसे महत्वपूर्ण भूमिका महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो हमारे समझ से आप पैचिटिन भी आप समझ गए। तो ये हमारा रहा लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन। अब हम लोग चलते हैं डिप्लोटीन की तरफ। अब देखें जैसे ही हम और यहाँ देखते हैं कि ये घटनाएं और भी घटित इसके अंदर हो रही हैं, कि जैसे सेंट्रियोल, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी जो है पूरी तरह से गायब नहीं हुई है, हल्की हल्की देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी इसमें गायब हो रही है, लेकिन पूरी तरह से ये गायब नहीं हो रही है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और जो हमारा सेंट्रियोल है ये भी अभी जो है डिवाइड हो रहा है, अभी पूर्ण रूप से इन दोनों धुरियों की तरफ ये नहीं पहुंचा है। ये भी घटनाएं आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन की हमने बात कर ली, अब हम लोग चलते हैं डिप्लोटीन की तरफ। डिप्लो देखिए, डिप्लो से आप याद रखिएगा, मतलब यहां क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट घटना यहां घटित होगी। यहां देखें अब ये सिमेटोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है धीरे धीरे इधर से थोड़ा सा गायब होगा, लेकिन जहां पे ये दोनों आपस में क्रॉस किए हैं यानी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वहां पे अभी ये लगा हुआ है। इन भुजाओं को आप देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए के जैसा बन रहा है, याद कर लीजिए इसमें क्या क्या घटनाएं होंगी। इसके अंदर होगा क्याज्माटा, क्याज्माटा याद रखिएगा, के जैसा, इसी से आपको ये बैठा रहा हूँ, देखिए के जैसे संरचना है, क्याज्माटा, क्याज्माटा का फॉर्मेशन होगा, पहली घटना होगी। ये कैसे होगी, यक्स जैसे ये दोनों भुजा आपस में देखिए इस कैसे मिल रही है, तो यक्स जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये क्याज्माटा का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, पहली घटना आपको याद रखना है। तो यहाँ क्या यक्स, यक्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, इसको हम क्या देखिए यहाँ पे क्याज्माटा कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे बड़ी मजबूती के साथ इसको जोड़े हुए था, अब तो भाई इन दोनों को आपस में क्याज्माटा मतलब क्रॉसिंग ओवर करा दिया, यानी इसकी बाजू कट के इसमें आ गई, इसकी बाजू कट के इसमें आ गई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जो है रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो जब रिकॉम्बिनेशन हो गया तो ये जो सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स था उसका काम तो अब हो गया भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये अब डिसअपीयर होने लगता है, डिसअपीयर याद रखिएगा, इस स्टेज में आके क्या होता है डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन का मतलब दूर याद रखो, डीप दूर, दूर होना, डिपार्चर होना, इससे दिमाग में आपका बैठ जाएगा, डिपार्चर होना। डिप्लोटीन जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आप याद रखिए कि डिपार्चर होना। अब ये सिमेटोनिमल कॉम्प्लेक्स जब गायब होगा हटेगा तभी तो ये एक दूसरे से अलग होंगे भाई, नहीं तो एक दूसरे से तो सटे ही रहेंगे। तो ये हमारा सिमेटोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है, अब देखिए मैंने थोड़ा सा कम बनाया है, अब इन्हीं नोड्यूल पे पड़ा हुआ है, अब ये सिमेटोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है, और एक काम और हो रहा है कि एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे होती है। अभी तक आपने देखा यहाँ पे डी याद रखिएगा, डीकंडेंसेशन की घटना यहाँ पे घटित होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा रहा डीकंडेंसेशन। तो हमारा समझते लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्लोटीन आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं सीधे डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस की तरफ। देखिए डाइकाइनेसिस में क्या होता है, डाइकाइनेसिस तो देखिए डाइकाइनेसिस में क्या होता है, देखिए याद रखिएगा डाई का मतलब होता है मर जाना, तो वही बात यहां पे समझिएगा। अब यहां पे वो स्टेज है कि टर्मिनलाइजेशन आप जो है क्याज्माटा, ये जो क्याज्माटा आपस में ऐसे सट गए थे, अब ये एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे, मतलब हटेंगे, ये हटेंगे नहीं तो फिर वो आगे कैसे जाएंगे। तो यहाँ पहले डिप्लोटीन में क्या होगा, यानी डाई होगा, यानी क्याज्माटा जो बन गया था क्याज्माटा, अब ये क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है,
कि आज माटा यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जो सेल ऑर्गेनेल्स अभी इसके अंदर रहे हैं वो क्या होंगे, वो डिसअप, क्योंकि भाई इसके बाद अब मेटाफेज आनी है, आप जानते ही हो। तो अब यहाँ क्या होगा, जो सेल ऑर्गेनेल होंगे जैसे न्यूक्लियर, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी, न्यूक्लियोलस गायब होगा, ठीक है, और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, ये सारी चीज़ें यहाँ से गायब होने लगेंगी। मतलब क्या हुआ, इस फेज में आकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, न्यूक्लियोलस, ये सब गायब होने लगेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या होगी यहाँ पे, सेंट्रियोल जो है डिपार्चर टू अपोजिट पोल, ये अपोजिट पोल की ओर आप मूव होने लगेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब गायब होने लगेगी और ये सीधे जो है अब साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में ये आ जाएंगे। तो हमारे समझ से ये प्रोफेस को आप समझ गए कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में क्या होता है। अब हम सीधे चलते हैं मेटाफेज की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट मेटाफेज। तो देखिए मेटाफेज में पिछले लेक्चर में हमने बताया था, मेटा का मतलब मोटा समझ जाओ, यानी इसमें अब क्या होगा, गुणसूत्र इक्वेटर पे आकर के सजने लगते हैं और काफ़ी मोटे हो जाते हैं और काफ़ी विजिबल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, माइटोटिक डिवीज़न और मियोसिस डिवीज़न में थोड़ा सा अंतर ये है कि आप देखें यहाँ पे जो अब गुणसूत्र हैं जो बाईवैलेंट के रूप में हैं, यानी जो होमोलागस क्रोमोजोम हैं आपस में आ गए हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके कुछ जीन इसके अंदर चले गए हैं, इसकी बाजू इसमें कट के आ गई है, इसकी बाजू इसमें कट के आ गई है, वहाँ मैंने यहाँ पे लिया है देखिए मेटाफेज को, ये मेटाफेजिक प्लेट जिस तरह से माइटोटिस में मेटाफेजिक प्लेट पे आकर के ये क्रोमोजोम सज गए थे, वैसे ही यहाँ भी आके सज जाते हैं। लेकिन एक अंतर है, अंतर ये है कि वहाँ हमने देखा था कि जो होमोलागस क्रोमोजोम थे वो दो भागों में फटे थे और ऊपर एक खींच लिया था, एक नीचे खींच लिया था, सिर्फ एक मेटाफेजिक प्लेट से इधर एक था, जैसे इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था भाई माइटाटिस में, तो यही तो हुआ था माइटाटिस में कि एक ही ये हमारा ये था क्रोमोजोम और मान लीजिए एक इधर से था, ठीक है, यही तो था, तो एक इधर खींच के चला गया, एक इधर चला गया, क्योंकि ये एस्टर जो फॉर्मेशन हुआ था, जो स्पिंडल फाइबर इससे निकले थे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ काइनेटोकोर होता है, इस काइनेटोकोर से ये जुड़ा हुआ था और ये खींच करके इसको लेके चला गया था, तो इस तरह से ऊपर चला गया था, ये हुआ था, और एक इधर 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 को आ गया था, ये तो हुआ था मेटाफेज स्टेज में, माइटोटिस में याद करिए। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो ऑलरेडी ये खुद डबल है, ये तो अलग मेटाफेज प्लेट है, यहाँ भी एक लगा हुआ है देख रहे हैं, और यहाँ भी एक लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, इस मेटाफेजिक प्लेट पे ये दो क्रोमोजोम जो होमोलागस क्रोमोजोम है जिनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, ये मेटाफेजिक प्लेट पे आकर के सज जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट के तरफ ये और मेटाफेजिक प्लेट के तरफ वो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तरह से दो मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण हो रहा है, यानी बीच में देखिए देख रहे हैं ये मेटाफेजिक प्लेट, तो वहां पे एक ही मेटाफेजिक प्लेट थी, लेकिन यहां पे एक तरह से दो मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण हो रहा है। अब ये मेटाफेजिक प्लेट पे क्या होगा, ये अभी मैंने बताया कि इस स्टेज में जैसे ही डिप्लोटीन की स्टेज, डाइकाइनेसिस की स्टेज आती है, तो ये एस्टर जो सेंट्रियोल है ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, इससे एस्टर फाइबर यानी स्पिंडल फाइबर का यहाँ निर्माण हो जाता है, और इसके प्रत्येक सेंट्रोमियर जो इसमें जानते ही हम लोग, इसका काइनेटोकोर होता है, इसका काइनेटोकोर से जाकर के ये जुड़ जाते हैं और वो फिर उसको खींचना शुरू करते हैं, तो अपने अपने ध्रुवों की ओर जब लेके खींच के चले जाते हैं, तो यही कहानी होती है मेटाफेज में। तो आप जानते हैं कि मेटाफेज में ये गुणसूत्र जो है अलग हो जाते हैं और अपने अपने ध्रुवों की ओर वो खींच करके ले करके चले जाते हैं। तो ये रही हमारी मेटाफेजिक स्टेज, और मेटाफेज में हम जानते हैं कि गुणसूत्र काफ़ी मोटे हो जाते हैं और काफ़ी विजिबल हो जाते हैं, शॉर्टेस्ट हो जाते हैं, सब छोटे हो जाते हैं, और फैटीएस्ट यानी शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट हो जाते हैं इन द मेटाफेज। जिस तरह से मेटाफेज स्टेज में हम लोगों ने माइटोटिस में देखा था कि मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकली स्टडी ऑफ द क्रोमोजोम दैट इंडिकेट दैट इन दिस स्टेज द क्रोमोजोम विजिबल वेरी क्लियरली, दे बिकम शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट। तो ये बेस्ट स्टेज होती है मेटाफेज स्टेज क्रोमोजोम के शेप साइज नंबर को काउंट करने के लिए। तो ये कहानी है मेटाफेज की। अब हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं मेटाफेज के बाद, पी मत हमने बताया था शॉर्टकट में पी मत। तो प्रोफेज की बात हमने बताई, मेटाफेज की बात बताई, अब हम चलते हैं एनाफेज की तरफ। एनाफेज अब देखिए क्या होता है। एनाफेज तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि
कि एनाफेज स्टेज जो है एनिमी से, याद रखिएगा। और एनिमी क्या होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। एक बात और ही आपको बताता चलूं कि जो एक ही माँ बाप के जो संतानें होती हैं एक जैसी क्यों नहीं होती है? अभी आप यहाँ देख रहे हैं रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जो है रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए वेरिएबिलिटी यहाँ आ रही है, विविधता आ रही है। हालांकि एक ही माँ बाप की संतानें हैं लेकिन क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये गुण जो है एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके वजह से विविधता आ जाती है। यही इसी वजह से माँ बाप की, एक ही माँ बाप की संतान जो है विविधता लिए होती है। हालांकि जो एक ही जायगोट, एक ही जो जायगोट से बनते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, उनमें थोड़ी समान उनमें समानता पाई जाती है, लेकिन जनरली जो है ये माँ बाप की संतानें अलग अलग पाई जाती हैं। तो हम सीधे चलते हैं एनाफेस की तरफ। और एना का मतलब हमने आपको बताया था कि एनाफेस का मतलब एनिमी, मतलब दुश्मन। ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये सिपरेट होने लगते हैं। जो ये होमोलागस क्रोमोजोम इधर है तो एक उस ध्रुव की तरफ खींचता चला जाता है और एक इधर खींचता चला जाता है, और धीरे धीरे जब ये खींचते चले जाते हैं तो हमारा जो स्पिंडल फाइबर उधर खींच लेता है इनको और इसको, और लास्ट में एनाफेस के बाद टीलोफेज की कहानी आती है। ठीक है, टीलोफेज जैसे आपने वहाँ देखा था वैसे ही यहाँ भी होता है। टीलोफेज को हमने आपको याद बताया था कि ये टर्मिनल फेज होता है, टर्मिनल फेज यानी अंत है। और यही यानी एक और शब्द हमने वहाँ को आपको बताया था कि टीयर, टीयर का मतलब फट जाना। अब ये क्रोमोजोम जो है फट जाते हैं, यानी एक इधर इस ध्रुव की तरफ और एक इस ध्रुव की तरफ चला जाता है। ये हमारी कहानी है टीलोफेज की। और ये भी हमने बताया था कि माइटाटिस में टीलोफेज जो है रिवर्स होता है प्रोफेज का, वहाँ पे रिकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन थ्रेड हो रहा था, फिर क्रोमोजोम में बदल रहा था। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिकंडेंसेशन होता है, ये क्रोमोजोम जो है पुनः डिकंडेंसेस होकर के क्रोमेटिन थ्रेड में बदल जाते हैं। ये कहानी हम लोगों ने माइटाटिस के अंदर देखी है। तो इसमें अब क्या होगा, टीलोफेज में ये अपने अपने ध्रुवों की ओर सस्ते चले जाते हैं। उसके बाद से अब इसकी तैयारी होने लगती है, लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। आइए देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस क्या है। साइटोकाइनेसिस ठीक है, अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होगा, ये खांच बन जाती है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि एनिमल के केस में ये सेंट्रीपिटल होता है, यानी फर्रों के माध्यम से अंदर की तरफ ये सेल मतलब वो घुसती है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल कहते हैं। और प्लांट के केस में हमने आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल होता है, पिछले लेक्चर में हमने माइटाटिस के इस चीज़ को बताया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है उस लेक्चर को ज़रूर देखें। तो अब इसमें भी क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में ये फर्रो बनेंगे और सेंट्रिपिटल इसका डिवाइडेशन होगा, और लास्ट में हमारी सेल जो है ये एक सेल जो है दो सेल में बंट जाती है। और ये आप देखते हैं कि जब एक सेल दो सेल में बंट जाती है तो फिर इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल जैसे ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें यहाँ धीरे धीरे डिसअपियर हो गई थी, वो फिर यहाँ पे आ जाती हैं और ये सेल जो है दो पार्ट में बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारा ये मियासिस कंप्लीट हुआ। मियासिस फर्स्ट फेज की हमने बात की। अब ये सेल ऐसा नहीं है कि यहीं रुकेगी, ये थोड़ी सी रेस्ट लेगी और मियासिस सेकंड में जो है पुनः जाएगी। और इनसे जो है आप देखेंगे कि ये दो दो क्रोमोजोम जो है, ये जो सिस्टर जो होमोलागस क्रोमोजोम है ये अलग होंगे, एक दूसरे सेल में जाएगा, इससे दो सेल बनेगी और इससे दो सेल बनेगी। इस तरह से कुल चार सेल का निर्माण होगा। ये रहा हमारा मियासिस फर्स्ट का पार्ट। कमिंग लेक्चर में हम मियासिस सेकंड की बात करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों के सिग्निफिकेंस को, मियासिस और माइटाटिस के सिग्निफिकेंस और न्यूमेरिकल वैल्यू को भी इसमें हम लोग देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।